असल अरे बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी रुकमान रखीम के बहन भाई उम्मीद करती करते आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए आज का अमल परी मोकिल को देखने का खास अमल परी मोकिल को कैद ना करें उनसे मोहब्बत रखें उनस रखें और एक दोस्तों की तरह एक अपनी फैमिली की तरह अगर रहें तो ज़्यादा आसान है ठीक है एक तो वो आपकी मदद करते हैं आपकी परेशानी ख़त्म करते हैं आपकी कोई दुख तकलीफ़ हो वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो आपसे बेहिसाब मोहब्बत रखते हैं ठीक है और जादू काला इलम जिन्नात शयातिन इनसे दूर रहें तावीज़ गंडों से दूर रहें नक्श का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ये सात सौ छियासी का नक्श है नक्श का इस्तेमाल करें अल्लाह के कलाम के दिए हुए हिंसों का इस्तेमाल करें तो ये बाबरकत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जादू करने वाला है वो हम में से नहीं है ईमान से वो ख़ारिज है ठीक है तो जादू जिन्नात से दूर रहें बेजा खौफ एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगी जिन लोगों के ऊपर जादू होता है ना उनकी वाजिया पहचान सबसे पहले ये होती है कि वो बिला वजह खौफसदा रहते हैं कभी उनके हाथ कांपते हैं कभी वो डरे होते हैं कभी उनकी आंखें फैली होती हैं कभी उनकी आंखें सफ़ेद होती हैं चेहरा जब भी कोई परेशानी आए तो पीला जर्द हो जाता है आंखों के गर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं और अक्सर वक़्त जिसम में कप कपी तारी हो जाती है हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं ये तमाम सूरत हाल जो है वो उस शख़्स की है जिस पर बहुत सख्त जादू हो मगरिब के टाइम उसकी हालत ख़राब होना या असर के टाइम हालत ख़राब होना ये भी वाजिया करता है कि इसके ऊपर किस कदर जादू किया गया आज इसी का अमल हम सीखते हैं परी और मोकिल अमलियात का ख़ास तरीक़ा कि परी मोकिल को देखने का काजल कैसे बनाया जाए नौ इतवार नए चांद की जो पहली तवर आएगी वो नौ इतवार कहलाएगी ठीक है द्रुद पाक एक बार बिस्मिल्लाह तैतीस बार बिस्मिल्लाह को पढ़ना है आपने ठीक है और नमाज की इसमें पाबंदी करनी है तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं ये मैं आपको परी मोकिल को देखने का अमल बातनी आँख को देखने का अमल बता रही हूँ आपने क्या करना है ये काजल इतवार के दिन सुबह दस से बारह बजे के दरमियान तैयार करना है जैतून का तेल लें चम्बेली का तेल जैतून का तेल दोनों को लें इनका इनको तेल को किसी दिए में या किसी भी बर्तन में डालकर इसका काजल बना लें काजल कैसे बनाया जाता है जब आप दिए को जलाएंगे या जब ये तेल जलेगा तो जो इसका धुआं होगा वही काजल है ठीक है जब आप काजल बना लें ये नक्श इसके बारे में मैं बाद में आपको समझाऊंगी ठीक है ये आपने काजल बना लेना है अब आपने क्या करना है मगरब असर का वक्त जब होगा ना असर की नमाज पढ़ें नमाज करने पढ़ने के बाद ना आप जाए नमाज पर बैठे रहें बैठे रहने के बाद आपने क्या करना है जब आप जाए नमाज़ पर बैठेंगे ना तो प्यारे बहन भाइयों आपने बिसमिल्ला का वर्द शुरू करना है अव्ल आखदुरूशीफ के साथ तैतीस मरतबा बिसमिल्ला अब आपने आँखों के अंदर ये काजल लगा कर बिसमिल्ला जब पढ़ना शुरू करनी तो फिर आँख नहीं खोलनी आँखें बंद रखिएगा। जो भी वहाँ पर मुसलमान आपके घर के पास मगरिब के टाइम जो भी अल्लाह के नेक बंदे जो भी जैसे परी मोकल गुजरते हैं वो आपको नज़र आएंगे गुजरते हुए नज़र आएंगे उड़ते हुए नज़र आएंगे, गुजरते हुए हवा की तरह ना हल गुजरते हुए नजर आएंगे वही होंगे जो बिस्मिल्लाह के होंगे और आपको कभी नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे अगर वो आपके घर में दाखिल होते हैं तो यकीन मानिए आपका घर बाबरकत अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा रिस्क दौलत हर चीज़ आपके घर में ज़रूर आएगी अब आपने जब ये परी मोकिल को देख लिया तो फिर आपने अरके गुलाब से आंखें धो लेनी है थोड़ा सा के गुलाब अपनी आँखों में डाली आँखें साफ़ हो जाएंगी काजल साफ़ हो जाएगा ये तो लगा रहेगा तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि और भी रूहानियत इंसान की बात नहीं आँख थर्ड आई ओपन हो जाती है खुल जाती है तो फिर इस वजह से फिर मुश्किल होती है आपके लिए ये तमाम वीडियो सिर्फ जो बहुत शौक़ रखते हैं ना अमलियात का उनके लिए बताई जा रही है अब ये अमल पहले दिन अगर असर नहीं करता तो दूसरे दिन करे तीसरे दिन अलहमद ये असर से बातनी आँख का जो मसला है वो ओपन आई हो जाता है आपकी आँख बातनी आँख खुल जाती है आपकी रूहानियत अच्छी हो जाती है अब ये नक्श ये नक्श आपने अपनी पॉकेट में रखना है अपनी बाज़ू पे बांधना है जिन लोगों को जादू है जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया कि कप कपी हो जाती है वो ये नक्श अपने पास रखें दौलत इज़्ज़त पैसा रुतबा मरतबा इन आपके साथ जुड़ा रहेगा कभी फाका कशी नहीं होगी रूहानियत तो आपकी तेज़ होगी यानी आप परी मोकिल को तो देख सकेंगे इस नक्श का एक फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप फिर भूखे नहीं सोएंगे परी मोकिल हमेशा आपके साथ रहेंगे जब भी आप बिसमिल्ला पढ़ेंगे तैतीस मरतबा वह हाज़िर हो जाया करेंगे काजल भी ना लगाएं बेशक लेकिन वो हाज़िर हो जाएंगे काजल को छुपा कर रखें बच्चों से दूर रखें बच्चों की रूहानियत बहुत तेज़ होती है तो इस चीज़ से जो उन है परहेज़ कीजिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा तमाम अमलियात जो उनसे हैं मदरसा फातम तो ज़हरा की तरफ से पेश किए जा रहे हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो लोगों को भी बताएं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो ठीक है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ख़ैरा असलम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना चाहते हैं या, या अमलियात सीखना चाहते, चाहते हैं तो, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं जैसा और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला